नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीख है 4 जनवरी 2024 और यहां पे 5 जनवरी 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए दोस्तों तीन स्टॉक्स के लिए सेलेक्ट कर लिया थ्री स्टार सेक्शन में लेकिन उन तीनों ही स्टॉक्स के लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है अगर आप ट्रेड करते हैं उन लेवल्स पर ट्रेड तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह सलाह करके ट्रेड करें क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी मैं यहाँ जो भी बताऊंगा बिल्कुल चार्ट के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन का रीजन बताऊंगा पैटर्न के हिसाब से बताऊंगा कैंडल के हिसाब से बताऊंगा उसको आपको समझना है उसको ध्यानपूर्वक स्टडी करना है उसके बाद बिलीव हो जाए कॉन्फिडेंस हो जाए तो ही ट्रेड करें अदरवाइज छोड़ दें अवॉइड कर दें कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो चलिए पांच से छह मिनट का वीडियो है इसको समझिए सबसे पहला स्टॉक जो है

लगभग आप ऑल टाइम हाई भी समझ सकते हैं कि ये सबसे बड़ा हाई प्राइस है यानी अपना ऑल टाइम लेवल को 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 प्राइस ब्रेक ब्रेक कर कर रहा है, को कर रहा है है एटीएच कौन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक तो कल भी अगर बैंक निफ्टी में मूवमेंट रहता है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी एक उम्मीद है चांस बन सकता है अपसाइड का और अपना नया हाई फिर से लगा सकता है तो 805 के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अब एट हंड्रेड के ऊपर खरीदना है और स्टॉप लॉस सात सौ निन्यानबे रूपए से लेकर चल सकते हैं जो टारगेट होगा पहला वो एट हंड्रेड एलेवन आठ सौ ग्यारह काट ट्वेंटी थ्री आठ सौ तेईस रूपए का लेकिन अगर ये नीचे के जोन को ब्रेक करता है यानी वापस से प्रॉफिट बुकिंग में फंस जाता है तो हम लोग सेल करके चलेंगे तो सेल करेंगे सात सौ पंचानवे रूपए के नीचे सेल बिलो लॉस होगा वो एट हंड्रेड आठ सौ रूपये का होगा और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में सात सौ नब्बे सेवन एटी फाइव सात सौ पचास और तीसरा सेवन एटी सात सौ अस्सी रुपए का शुरू के पांच मिनट को एवॉड करके चलना है उसके का या लेवल को करें। तो ट्रेड करें अदरवाइज उस ट्रेड को आप कर दें तो ये पहला स्टॉक हाँ है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बढ़ूंगा सेकंड स्टॉक की तरफ में दोस्तों और सेकेंड स्टॉक का नाम है आपके सामने में जुबलियन फूड चलिए जुबलियन फूड का चार्ट आपके सामने में लगाता हूँ और चार्ट देखिए अभी क्या बता रहा है तो आप देख रहे हैं कि मल्टीपल जो ये सपोर्ट एरिया पर से ये बाउंस करने की रजिस्टर था उसके ऊपर ब्रेक करके गया तो अब ये मल्टीपल सपोर्ट बना लिया है ना उसी सपोर्ट एरिया तो के सपोर्ट तो पर, पर क्या दिख रहा है मल्टीपल रजिस्टेंस एरिया है इंट्राडे के चार्ट जिसको ये फेस कर रहा है उसी के ऊपर भी कर रहा है तो अगर ये कल ब्रेकआउट करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है तो बाय फाइव सिक्सटी थ्री पांच सौ तिरसठ के ऊपर खरीदारी होगा जो स्टॉप लॉस होगा वो फाइव फिफ्टी नाइन पांच सौ लेके चलेंगे और जो टारगेट होगा पांच सौ सड़सठ टारगेट फाइव पांच सौ पचहत्तर रुपए का अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है यानी कि वापस से टकरा के नीचे आता है तो हम लोग सेल करेंगे तो सेल का लेवल होगा पाँच सौ के नीचे सेल बिलो फाइव जो स्टॉप लॉस होगा वो पांच सौ रुपए का और जो टारगेट होगा फाइव फिफ्टी थ्री पांच सौ तिरपन रुपए का फर्स्ट तो के पास भी बुक तो कीजिए करके चल सकते हैं तो ये है सेकेंड स्टॉक जुबलियन फूड तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं उसका नाम है भारत फोर्ज तो चलिए भारत फोर्ज के चार्ट को समझते हैं सिलेक्शन रीजन समझेंगे भारत फोर्ज और ये आ गया अब देखिए ये डेली के चार्ट पे भारत फोर्स को आपको डेली के चार्ट पे समझेंगे तो डेली के चार्ट पे देखिए एक दिन हाई सेम प्राइस दूसरा दिन तीसरा दिन उसके नीचे चौथा दिन आज उसको ब्रेक किया तो इसी को अब आप पंद्रह दिन तो पंद्रह मिनट के चार्ट पे देखें तो सबसे पहले आपने डेली के चार्ट पे क्या देखा कि चार दिनों के हाई को वो ब्रेक कर रहा है तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पर पंद्रह मिनट के चार्ट पे कि इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था मल्टीपल टाइम लेकिन आज ब्रेक करके लास्ट टाइम क्लोज कर दिया तो पहला तो अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव हो गया तो अगर मान के चलते बन सकता है, वन जो इस के चलेगा, चलेंगे इस कंडीशन में बारह सो अंठावन वन टू फाइव एट का और जो टारगेट होगा पहला बारह सौ बहत्तर रुपए नाइन बारह सो उनासी और तेसरा वन टू एट सिक्स बारह सो छियासी का लेकिन अगर रिजेक्शन आ गया तब तो सेल करेंगे अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आता है और अपने इस सपोर्ट एरिया के आसपास से नीचे से ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे तो सेल करेंगे बारह सौ यहाँ पर, पर देखिए मल्टीपल टाइम रुका हुआ है ना मल्टीपल टाइम रुका हुआ है तो इसी एरिया पर ये सपोर्ट लेगा लेकिन उसके नीचे टूट गया तो सेल तो सेलिंग हो जाएगा सेल सौ तिरपन के नीचे भी आप सेल कर सकते हैं और स्टॉप लॉस बारह सो साठ रुपए का लगाएंगे वन टू सिक्स जीरो का पहला टारगेट बारह सो छियालीस वन टू फोर सिक्स दूसरा टारगेट बारह सो उनचालीस वन टू थ्री नाइन और तीसरा टारगेट वन टू थ्री टू बारह सो बत्तीस रुपए का तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स के सिलेक्शन रीजन भारत फोर्स जुबियन फूड और साथ ही एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने आपके साथ बता दिया है किस लेवल पर बाइंग सेलिंग और सिलेक्शन रीजन पसंद आया तो जरूर कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे एजुकेशनल वीडियोज और कॉल्स मिलते हैं आपको लाइव मार्केट में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कोई फीडबैक हो तो जरूर शेयर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों